आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिहार में कोरोना के कहर की जो लगातार बढ़ते जा रहा है। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में बिहार में 12,604 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 24 घंटे में 1,328 सैंपल की जांच की गई। राज्य में अभी भी 94,275 एक्टिव केस हैं, वहीं अब तक 3,31,418 मरीज ठीक हो चुके हैं। बिहार में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट लगातार गिर रहा है, 77.43% रिकवरी रेट बताया जा रहा है। वहीं कोरोना पॉजिटिव में पटना में सबसे ज्यादा 1,837 नए मामले सामने आए, जबकि दूसरे सर्वाधिक प्रभावित जिलों की यदि हम बात कर लें तो गया में 769, भागलपुर में 654, पश्चिम चंपारण में 639, औरंगाबाद में 622, बेगूसराय में 611, सारण में 543, मुजफ्फरपुर में 458 और नालंदा में 400 मरीज सामने आए। इसके बाद कुल टेस्ट की बात कर लें तो कुल टेस्ट 1,03,828 किए गए। तो बिहार में लगातार कोरोना का कहर जारी है, जो केसेस हैं लगातार उनमें इजाफा हो रहा है। और आपको एक बार फिर जिलेवार जानकारी दे दें कि जिले में गया में 769 केस सामने आए, वहीं भागलपुर की बात करें वहां पर 654 केस सामने आए, पश्चिम चंपारण में 639, औरंगाबाद में 622 केस सामने आए, बेगूसराय में 611, सारण में 543 केस सामने आए। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में 458 और नालंदा में 400 जो मरीज हैं वो संक्रमित पाए गए। हालांकि सबसे ज्यादा जो केसेस हैं वो पटना में सामने आए, पटना हॉटस्पॉट बना हुआ है, पटना के बाद ये जो 8 जिले हैं उनमें केस सबसे ज्यादा सामने आए। पटना हाई कोर्ट ने राज्य में कोरोना महामारी को अत्यंत गंभीर करार देते हुए अब इस मामले पर रोजाना सुनवाई करने का फैसला दिया है। पटना एम्स के डॉक्टर्स की अगुवाई में गठित एक 3 सदस्यीय एक्सपर्ट्स की कमेटी कोर्ट ने विशेष शक्ति देते हुए पटना के तमाम कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति, बेड की व्यवस्था और रोजाना कितने कोविड टेस्ट हुए हैं, इन सब का डे टू डे आंकड़ा लेने को कहा गया है। राज्य के स्वास्थ्य महकमे में प्रधान सचिव ने कहा कि पटना के सभी कोविड अस्पतालों के अधीक्षकों को निर्देश दे दिया गया है कि वो 3 सदस्यीय कमेटी की मांगने पर ही सही आंकड़ा प्रस्तुत करें। इस संदर्भ में राज्य स्वास्थ्य समिति, निदेशक, प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य आला अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो कमेटी के सदस्यों को हर संभव कोऑपरेट करें। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी अचरज जताया कि NMCH और अन्य सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के साथ मारपीट, दुर्व्यवहार की शिकायत मीडिया की खबरों के जरिए मिल रही है। कोरोना वॉरियर पर हमला या उनका किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार कोर्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। डॉक्टर्स के साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ फौरन कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित शाह ने खंडपीठ ने शिवानी कौशिक और गौरव कुमार सिंह की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये उक्त निर्देश दिए। सीएम नीतीश कुमार संकट कोरोना संकट को लेकर स्वास्थ्य और आपदा विभाग के अधिकारियों और सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई समीक्षात्मक बैठक में सीएम ने कई निर्देश दिए कि कोरोना संक्रमितों के इलाज में किसी प्रकार की कोई कोताही ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। समस्या को कैसे कम किया जा सकता है, इस पर सकारात्मक रवैये के साथ काम करें। सीएम ने यह भी कहा कि 1 मई से 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। राज्य सरकार मुफ्त टीकाकरण कराएगी। टीकाकरण को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने अधिकारियों से ये भी कहा कि आप सभी सक्रिय रहेंगे तो लोग नियंत्रित रहेंगे, मूवमेंट सीमित होगा और कोरोना का फैलाव भी कम होगा। जिलों में इलाज की पूरी व्यवस्था रखें, अनुमंडल स्तर पर भी तैयारियां पूरी रखें। इसके साथ ही IGIMS पटना के डेडिकेटेड अस्पताल के रूप में भी परिणित करने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ऑल्टरनेट डे पर सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के अद्यतन स्थिति की जानकारी लें और उसके आधार पर जरूरी कदम उठाएं। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार भी उपस्थित रहे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, विकास आयुक्त आमिर सुबहानी, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, इसके साथ ही सचिव सूचना एवं जनसंपर्क अनुपम कुमार समेत सभी अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो आपको बता दें कल फिर से कोरोना को लेकर बड़ी बैठक होगी, फीडबैक के आधार पर जो तमाम निर्णय हैं वो लिए जाएंगे।
और हमारे साथ तमाम अपडेट के साथ पटना से नवजीत लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, जो आंकड़े वो डराने वाले सामने आ रहे हैं, तो आपके पास क्या कुछ जानकारी है आंकड़ों को लेकर? देखिए, बिल्कुल, जो आंकड़े हैं वो गवाह हैं कि किस तरीके से बिहार में कोरोना संक्रमण है वो काफी तेजी से बढ़ा है। एक मैं आंकड़ा दे रहा हूँ कि हर दिन तकरीबन 11,000-10,000 के ऊपर हैं जो कोरोना संक्रमित है वो बढ़ रहे हैं। पिछले 35 दिनों में यह जो संख्या है वो तकरीबन 1,00,000 के पार कर गई है। जब पिछले साल की तुलना में जब बात कीजिएगा, जो पहली लहर थी कोरोना संक्रमण का, जो दौर था 2020 का, उसमें ये जो आप आंकड़े हैं 1,00,000 की जो संक्रमितों की संख्या तकरीबन 100 से अधिक दिनों में हुई थी, जो इस बार है वो 30 से 35 दिनों में हो जा रहा है। तो वजह साफ है कि बिहार के जो मार्केट है वो खुला हुआ है, हर लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं। सरकार के सख्ती के बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं एकत्रित हो रहे हैं, इसी की वजह से यह जो रफ्तार है वो आई है। 35 दिनों में 1,00,000 से अधिक संक्रमित हुए हैं। लिहाजा आज एक CMG की बैठक बुलाई गई है। शाम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो आपदा प्रबंधन समूह है, जो कमेटी है, वो बैठक करके निर्णय लेगी, कोई बड़ा फैसला लेने जा रही है कि आखिर बिहार में जो संक्रमितों की जो संख्या है, हॉस्पिटल में बेड की जो कमी है, उससे किस तरीके से निकला जाए। तो देखना होगा कि शाम में क्या फैसला लिया जाता है, क्या बिहार में जो लॉकडाउन है वो लगाया जा सकता है। यदि लॉकडाउन लगता है तो वो किस स्थिति में होगा। पिछली दफा 2020 की बात जब कीजिएगा तो उस वक्त जो बड़े शहर थे बिहार के, वहाँ पे लॉकडाउन थे, प्रखंड स्तर के जो बाजार थे उसे बंद कर दिया गया था। तो अब देखना होगा कि राज्य सरकार ने आखिर क्या फैसला लेती है। सभी DM के साथ मीटिंग होगी, CMG में ही सारे निर्णय लिए जाएंगे कि क्या कुछ किया जा रहा है। तो अभी शाम तक हम लोग को इंतजार करना होगा कि क्या कुछ फैसला लिया जा रहा है। रही बात दूसरी तरफ ऑक्सीजन की कमी और बेड की कमी को लेकर के, तो राज्य सरकार ने कई पहल किए हैं। जो ऑक्सीजन जहाँ पे बनते हैं या फिर कह लीजिए कि जो संस्थान है वहाँ पे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई करने को कहा गया है। हर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। IGMS पटना के एक बड़ा हॉस्पिटल है, एक बड़ा नाम है, उसको डेडिकेटेड कोरोना हॉस्पिटल के रूप में पहचान की गई है, रखा गया है कि अब उस हॉस्पिटल में सारे के सारे जो मरीज होंगे कोरोना संक्रमित है उनका इलाज होगा। इसके पहले NMCH को कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किया गया था, उसे किया गया था। उसके बाद एम्स, पटना एम्स है, उसमें भी कोरोना संक्रमितों की इलाज हो रही है। अब है जो IGMS बिहार का पटना का एक बड़ा हॉस्पिटल है, उसे डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में बनाया जा रहा है। इन तमाम चीजों को देखा जाए तो सरकार एक तरफ लगी हुई है कि संक्रमितों की संख्या कम की जाए, जो चेन है उसे तोड़ा जाए, लेकिन दूसरी तरफ जो आंकड़े हैं वो गवाह हैं कि किस तरीके से हर दिन जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। वजह साफ है कि कह लीजिए कि संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ साथ मौत भी हो रही है। हमने देखा था कि जो जितने सारे जो शमशान घाट हैं वहां पे भी कह लीजिए कि जो दाह संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को। तो एक तरीके से देखा जाए तो बिहार की स्थिति बहुत ही दयनीय है, आज के दौर में बहुत खराब स्थिति है। ग्रामीण इलाकों की बात कीजिएगा तो हर घर में बुखार और तेज बुखार की जो समस्या है वो सामने आ रही है। तो राजधानी पटना से लेकर गांव-गांव तक, घर घर तक, तो जो है बिहार के हालात जो है बदतर से बदतर हो रहे हैं। हालांकि जो है एक्शन में सरकार दिख रही है, अब बैठक होगी, देखने वाली बात होगी क्या कुछ निर्णय करके सामने आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।